नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे अनार के पौधे में बहुत सारे फूल भी आए हैं, छोटे छोटे अनार भी लग रहे हैं और पहले के भी कुछ अनार लगे हुए हैं। दोस्तों आप भी ऐसे ढेरों ढेर अनार अपने टेरेस गार्डन में अपने छत के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और इनको फॉलो करके आप ढेरों ढेर अनार प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं अनार भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए लगे हुए हैं, कुछ में फ्लावरिंग चल रही है। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूँ स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अनार के फूल मेरे अनार में आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग को जानकारी के लिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि अनार के जो पौधे में फूल होते हैं उसमें मेल और फीमेल फ्लावर होता है और अनार हमेशा फीमेल फ्लावर में लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपको अनार का पौधा लगाना है तो प्लांट के हिसाब से ग्रो बैग का सिलेक्शन करें। जैसे कि मैंने ये प्लांट जो है 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसे 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा था। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया, अपनी ग्रोथ दिखाता गया, उसके बाद ही मैंने इसे 18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट किया। एकदम से बड़े ग्रो बैग में या बड़े गमले में छोटे से प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, उससे भी प्लांट को क्षति पहुंचती है। तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लांट की हाइट के हिसाब से गमले या ग्रो बैग्स का आप प्रयोग करें। तो दोस्तों दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके अनार के पौधे में फल लगे हैं तो फल को पकने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर फल आपका तैयार हो चुका है आपको चेक करते रहना पड़ेगा। अनार का ये जो फल है ये गमले में लग रहा है, ज़मीन पर नहीं। ज़मीन पर क्या होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गमले में अगर ज़्यादा फल आपके गमले में लगे हुए हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो आप जैसे ही फल पक जाएँ आप उनको हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि जब एक फल को आप हार्वेस्ट कर लेंगे तभी प्लांट की ग्रोथ हो सकेगी। क्योंकि ज़्यादा जो ताकत है प्लांट फल की ग्रोथ में लगा देता है। तो दोस्तों अब मैं फल को हार्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं हार्वेस्ट जब कर लूँगा इन फलों को तभी इनकी ग्रोथ आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि देखिए नए नए अनार अब लग रहे हैं। दोस्तों इसे मैंने ये अनार तोड़ लिया है और एक ये अनार है, तो इसको भी ऐसे ही करके हार्वेस्ट कर लेंगे। अब यह मेरे हाथ में दो अनार आ चुके हैं, ये बिल्कुल पक चुका है। तो ऐसे करके आपको इन अनार को हार्वेस्ट कर लेना है। आपको ज़्यादा दिनों तक प्लांट में अनार लगे नहीं रहने देना है, इससे क्या होगा ज़्यादा दिन तक लगे रहेंगे तो अनार सड़ के ख़राब भी हो सकता है। तो अब जो इन अनार को मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब इसमें ताकत नहीं जाएगी। अब छोटे छोटे जो अनार नए नए लग रहे हैं इनमें ताकत जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ कि आप जब फल पक जाए तो फल को हार्वेस्ट कर लें, अधिक दिनों तक पेड़ पर लगने ना दें और छोटे छोटे जो फल हैं उन्हें भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपने अनार के पौधे में ढेरों ढेर अनार प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एक फर्टिलाइज़र बता रहा हूं, ये देख लीजिए दोस्तों, बायोजाइम। दोस्तों अगर आप 15 दिन में एक चम्मच अपने गमलों में प्रयोग करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो है इसमें फीमेल फ्लावरों की संख्या ज़्यादा आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अनार आपके गमले में या ज़मीन, अगर आप ज़मीन में भी अनार का पौधा लगा है तो 15 दिन में एक बार आप बायोजाइम का प्रयोग करें, उससे भी फीमेल फ्लावरों की संख्या ज़्यादा आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। शुरुआत में अगर आप अनार का पौधा लगा रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो स्टार्टिंग में आप 10 इंच से लेकर 12 इंच के पॉट में अनार का प्लांट लगाएँ और उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद उसे 18 इंच के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें। दोस्तों अनार का पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी का मिश्रण चाहिए, अनार का पौधा लगाने के लिए जो सॉइल मिक्सचर चाहिए स्टार्टिंग में, दोस्तों मैं बता रहा हूँ 50% गार्डन सॉइल लेना है, 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेना है और 10% में कोकोपीट या धान की भूसी लेना है। थोड़ा सा साफ फंगिसाइड ले सकते हैं या थोड़ा सा नीम की खली का प्रयोग आप कर लीजिए। स्टार्टिंग में इतने ही चीज़ों से प्लांट को लगाना चाहिए। फिर 3 महीने के बाद दोस्तों फर्टिलाइज़र की हमें आवश्यकता पड़ेगी और 15-15 दिन में दोस्तों बायोजाइम या सीविट का प्रयोग करना चाहिए। 3 महीने बाद दोस्तों इसमें आप जो है स्टोन डस्ट भी दे सकते हैं, जो कैल्शियम पाउडर आता है वो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। बाकी आप किचन वेस्ट पत्तों वाली खाद का प्रयोग, जो मैं करता हूँ,
और ऑर्गेनिक करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से किए जा सकते हैं। तो अगर आप 15 दिन में ये बायोजाइम यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं बताता हूँ उनकी कमी से फूल कम आते हैं आप प्रयोग करेंगे तो अच्छी तरीके से फूल आएंगे। अनार के पौधे को फुली सनलाइट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये फुली सनलाइट वाले पौधे हैं। अगर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की सनलाइट इन्हें अच्छी तरीके से प्रॉपर मिलेगी तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे फूल काफ़ी तादाद में। दोस्तों वाटरिंग की मैं बात करूँगा, वाटरिंग पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। मैं 3 से 4 दिन में इसमें करीब 5 से 6 लीटर पानी देता हूँ जो कि सफिशियंट है अनार के पौधे के लिए। और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि मैंने इसे कब लगाया था और मैं समय समय पर अपने वीडियोज़ में इन प्लांट्स को शामिल करता रहता हूँ। तो आप देख लीजिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रोथ है। और गार्डन में लगाने के लिए सुपर भगवा, गणेश, कंधारी अनार आप कोई भी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप देख लीजिए ये 8 महीने का पौधा है, करीब 5-6 महीने ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था प्लास्टिक के। और आप भी ऐसे करके प्लांट को लगा सकते हैं और ढेरों ढेर अनार अपने टेरिस पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।